नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कहीं भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले जो है लोग साजबाज मिलाते हैं, और साज मतलब साज मिलाते हैं तो या फिर बैंड में या फिर कहीं भी स्टेज पर जो लोग प्रोग्राम करते हैं तो खासकर वो इसी प्रकार की ट्यूनें निकालते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक दो क्लियर करवा देंगे और बाकी और बहुत सारी आपको बताएंगे। तो जैसे ये वाली बजाकर दिखाई, ये कैसे बजेगी, और भी बहुत सारी हैं, जैसे साजन मेरा उस पार है, ये ट्यूनें जो है बहुत अच्छी लगती हैं साजबाज के साथ में बजाकर, लोगों को सुनने में भी काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज ही शुरुआत करते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं लगाएंगे, आपको सिखाना शुरू करते हैं। पहले हम इस वाली को सीखते हैं, हरी हरी चूड़ियाँ अर्थात गोरे है कलाइयाँ पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो पहले स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप गोरिया कलैया, पहले गोरिया कलैया यानी कि हमारा गोरिया कलैया, ये एक दो तीन, ये डबल डबल, यहां पर ध्यान से फिंगर को देखिए हमारी, ये तीन ही बटने हैं, एक दो तीन, तो इस पर लिख लेगा गोरिया कलैया। क्लियर, फिर पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, गुरिया कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। इस पैटर्न को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, यही थोड़ा कठिन है, बाकी पूरा सरल है, बाकी बहुत म्यूजिक भी सिंपल है और गाना भी सिंपल है। देखिए गुरिया कलैया, क्लियर, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, इस तरफ से जाना है और ऐसे आ जाना है, ऐसे गोरी है कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, यहाँ पर रे रे गारे सा, पहले हमारा इसका सारे गामा समझ ली, सारे गामा पाधानी, और फिर सा रे गामा पाधानी सा, ठीक है, सा रे गामा पाधानी सा, तो हमारा इस सप्तक में जो स्वर हमारे यहाँ पर लगेंगे वही स्वर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, गोरी है कलैया नी हमारा धा कोमल नी फिर सा, ठीक है, धा कोमल नी सा, गोरी है कलैया, क्लियर, फिर पहना दे मुझे सारे सानी पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, नी सा रे रे रे, अपना बना ले मुझे बाल माँ गोरी है कलैया। क्लियर, क्लियर हो गया ना। फिर इसके बाद में हमारे म्यूजिक फिंगर को ध्यान से देखिए, ठीक है, फिर यहां से ये चीज, रे पर रुकाव ज्यादा है, ये चीज, फिर हमारा वही स्टार्ट वाला म्यूजिक, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह की गिनती है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर ये थी थोड़ी फास्ट हमने कर दी, बस यही चलेगा। ठीक है, इतना ही लोग बजाते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। फिर अगली ट्यून हमारी, थैंक यू।
इस चीज को देखिए किस तरीके से निकालेंगे। साजन मेरा उस पासा रे सानी, साजन मेरा उस पार है। ओ यहां से ध्यान से देखिए, एक दो साजन मेरा उस पार है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच। ये चीज म्यूजिक थोड़ा यहाँ पर ये चीज जो है बजती है ना, एक दो तीन चार पाँच, लेकिन थोड़ा आपको उंगली घुमाकर इस तरीके से, इस तरीके से तो अच्छा लगेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह की गिनती है पूरी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। फिर मिलने को दिल बेकरार है, मिलने को, यहाँ से सीधा यहाँ पर, मिलने को दिल बेकरार है, सारे सारे सा सा। फिर हमारा धानी धानी धापा धानी धापा धानी धापा, ये चीज बस। एक दो तीन चार साजन मेरा उस पार है, फिर मिलने को दिल बेकरार है, ठीक है। अब फिर जिसके साथ में, जिसकी चाहत में अखियां तरसी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ की गिनती, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मिलने को बरसों बरसी है, एक दो तीन चार पाँच, जिनके चाहत में अखियां तरसी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मिलने को बरसों बरसी है, मिलने को बरसों बरसी है, बस। होने वाला उनका दीदार है, वही म्यूजिक पर चालू हो जाता है। होने वाला जिनका दीदार है, फिर मिलने को दिल बेकरार है। बस कुछ है ही नहीं ज़्यादा बजाने को। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नए बजाने के वाले को तो शायद कठिन लगा होगा, लेकिन जिन लोग जो लोग थोड़ा थोड़ा बजा लेते हैं उनके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। आप लोग ऐसे भी सीखिएगा।